बहुत सुंदर प्रसंग है ब्रज द्वारिका मिलन का। सूर्य ग्रहण का समय था, ठाकुर जी की अर्चना चल रही थी। भगवान एक सिंहासन पर बैठे हैं और अनेक ब्राह्मण सन्मुख खड़े होकर के कोई तुलसी से अर्चना कर रहे हैं, कोई पुष्पों से अर्चना कर रहे हैं। भगवान का वेद ध्वनियों से अर्चन चल रहा था। तभी किसी ने जाकर के कान में बताया, बोले लाला, हे द्वारिकाधीश, ब्रज से आपके माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया और सब ग्वाल वाल आए हैं। जैसे ही देखा ठाकुर जी तो भूल गए, अर्चना वर्चना सब, अनुष्ठान अनुष्ठान सब भूल गए। बड़े बड़े वेदज्ञ खड़े थे, सबके सामने ठाकुर जी सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ करके गए यशोदा मैया के अंक में जाकर के लिपट गए। जा दिन से ठाकुर जी ब्रजमंडल छोड़ के गए हैं, यशोदा मैया की नेत्रों की ज्योति थोड़ी कमजोर हो गई है, अब मैया को ज्यादा दिखाई नहीं देता है, हाथ पकड़ करके चल रही हैं। तभी ठाकुर जी गए दौड़ करके और जाके यशोदा मैया को अपने अंक में भर लिया। कन्हैया के अंक में आते ही यशोदा मैया ने अपने हस्त कमल से ठाकुर जी के मस्तिष्क को, गालों को, नाक को, आंख को, होठ को, सब अंग स्पर्श करके यशोदा मैया कह रही, लाला इतने बरस है गए, तू अभी तक छोटो ही है, तेरो स्पर्श तो अब ऐसा लगे कि अब गैया चरा के आयो दिखे। लाला मुए लगे द्वारिका में तेरो ध्यान ना है रखे लोग, हैं तू तो अब पत्रो दुबरो सोई है। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में चढ़ गए, हाथ से लिपट गए और पैर से भी लिपट गए और मैया के गले में रोते रोते बोले, मैया मैया मेरी बात मान ले। यशोदा मैया बोले, अरे लाला ऐसा ना ही रोयो करें, सब देख रहे हैं, कहां बात है। ठाकुर जी तब अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहते, मैया बहुत दिन है गए मैंने तेरो दूध ना पियो है, तू जल्दी से बैठ के मुंह को अपना दूध पिवाए दे। यशोदा मैया ने जैसे ही अपना पयोधर ठाकुर जी के मुख में दिया, रसिकजन वर्णन करते हैं इतने वर्ष बाद भी यशोदा मैया के पयोधर से दुग्ध प्रकट हो गया और ठाकुर जी पीने लगे। बंधुओं इस छवि का दर्शन, इस छवि का अनुभव करके हृदय कई बार विदीर्ण सा हो जाता है कि कैसा कैसा प्रेम है ठाकुर जी का यशोदा मैया से। मुकुट दूर फेंक दिया ठाकुर जी ने, अपने राजकीय वस्त्र नन्हे से बालक के भांति हो गए ठाकुर जी। सब द्वारिका वासी घुटनों पर बैठ गए हैं, सब यशोदा मैया को सजल नेत्रों से देख रहे हैं, हाथ जोड़ करके बैठे हैं। यह है जगत नियंता द्वारिकाधीश की मां यशोदा।